पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बुलंदशहर में आज खुर्जा पुलिस को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान लूट के प्रयास में चल रहे वंचित दो बदमाशों को खुर्जा नगर पुलिस ने खुर्जा मुंडा खेड़ा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। खुर्जा पुलिस के लिए ये लूट का प्रयास की घटना सिरदर्द बनी हुई थी क्योंकि यह मंडी व्यापारी से लूट हुई थी जिसके विरोध में मंडी के लोगों ने मंडी भी बंद कर दी थी। बुलंदशहर के खुर्जा में जीटी रोड पर बीती 1 तारीख को मंडी व्यापारी रजत वार्षणेय से लूट का प्रयास किया गया था। उसके विरोध में बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी थी जिसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। आनन फानन में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। मंडी अतिथियों ने मंडी बंद का ऐलान कर दिया था जो ये घटना पुलिस का सिरदर्द बनी हुई थी। देर रात खुर्जा पुलिस मुंडा खेड़ा चौराहे से लूट से वंचित रहे सद्दाम और जुनेद को 2 तमंचों 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। वही पुलिस इस घटना में वंचित चल रहे एक बदमाश को अभी भी तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि फरार चल रहे तीसरे आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। दिनांक 1/5 को जो है गल्ला व्यापारी रजत वार्षणेय अपना गल्ला मंडी जा रहे थे तो ये 3 व्यक्तियों द्वारा उनके साथ लूट का प्रयास किया। जब असफल रहे तो उनको गोली मार दी थी जो खतरे से बाहर हैं और ये फरार हो गए थे। तब से पुलिस इनके पीछे कई टीमें लगाई गई थी तो इसमें जुनेद और सद्दाम को आज सुबह मुंडा खेड़ा चौराहे से गिरफ्तार कर लिया जिन पर जुनेद पर जो है 9 मुकदमे कायम हैं पूर्व के और सद्दाम पर 4 मुकदमे हैं। दिल्ली ज्योतिबा फुले नगर और कई डिस्ट्रिक्टों में ये 7 किस्म के हैं और आज इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो है 2 तमंचे 315 बोर के और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सर कुछ और भी फरार है? हाँ, एक और फरार है जो इसका जुनेद का भाई है उसके पीछे लगी हुई है टीम, जल्दी गिरफ्तार हो जाएगा। वाहन समाप्त जो जो भागा हुआ है उसी के पास है मोटरसाइकिल थी जो घटना के समय इन्होंने यूज की थी।